संज्ञानी नहीं इस मीटर में। और उसी आपके पंचायत में तालाब है जो जलकुंभी से भरा हुआ है, तो आप, उसके पर क्या कहेंगे? आपको हम बता रहे, वो तालाब बहलवा तालाब कहा जाता है, उस पर हम 15-20 से लगभग एक बार काम करा चुके हैं, जिसका सफाई पूर्ण हम करा चुके थे, जेसीबी वगैरह से सफाई हुआ, जिसका चले अल्लाह का रहमत और करम है, कम से कम समाज सेवा करने के कोई तो उतरे हैं, चल उनको हम बढ़िया बोलते कि अच्छा काम कर रहे हैं वो, लेकिन उनको अगर जानकारी तो देना चाहिए। अभी फिलहाल एक काम जो हम स्लेप नाप के आ जाए, आचार संहिता लगने से लगभग 15 दिन पहले स्लेप नाप के लाए हैं, इसका स्लेप हम, जैसे मेरे पास सबूत है, उसका योजना भी पारित हो चुका है डीएमएफ अपना योजना में, हम 15-20 से 1287 फीट स्लेप नाप के थे और 1287 जब स्लेप नाप के आए हैं वह योजना पारित हो गया, आचार संहिता लग गया, तो आचार संहिता के बाद उसमें हमको काम लगाना था। अब सुनते समाज सेवी जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, तो वही योजना को पारित कर जो हम नापे थे, तो समाज ये मुखिया का बगावत करना या तो मनोरंडम है कि आप पूर्ण तैयारी कर रहे हैं कि हम इलेक्शन का तैयारी में लगे हुए हैं, इससे तो यही स्वभाव नजर आता है। हम इससे ज़्यादा तो और कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, हम इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा रहेंगे इन लोगों के लिए करते रहेंगे और हमको कोई मुखिया का लालच कर लोभ नहीं। बहुत बहुत हम मुखिया बनने के लिए लालच में ये सब नहीं कर रहे हैं। इन लोग सोचता होगा बहुत सा लोग कि ऐसा ना हो कि मुख्तार मुखिया में खड़ा होने के लिए या मुखिया का लालच से ये सब करा रहे हैं, अभी वो बात नहीं है। अल्लाह ताला हमको इतना दिए हैं जो हम उस पैसा से कराते हैं और कराते रहेंगे, और गरीबों को हम हमेशा देखते हैं और देखते रहेंगे।